मंदिर, और यहाँ हम अंदर जाएंगे। जय भोले। तो दोस्तों देखिए, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जय भोले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों अभी एक ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ और दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, और बलराम है, बलराम को तो आप जानते हैं। और अभी हम जा रहे हैं नर्मदा जी के दर्शन करने, और देखते हैं वहाँ पर सुना है कि पानी का स्तर बढ़ गया है, तो नर्मदा जी डूब गई है, मंदिर मतलब मंदिर जो है वो डूब गया है या नहीं, चल के देखते हैं, वहीं पर पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं और नर्मदा जी के दर्शन करते हैं। जय माँ नर्मदा। दोस्तों ये देखिए मंदिर, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको रास्ते में, मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए एक ये मंदिर है, हालांकि ये एक धार्मिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको रास्ते में बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। कुछ प्राचीन मंदिर हैं, कुछ नए मंदिर हैं। ये देखिए ये एक प्राचीन मंदिर है, और एक ये शिव मंदिर, ये भी प्राचीन है। बहुत सारे मंदिर है, और यहाँ पर महारुद्राभिषेक चल रहा है, पार्थिव शिवलिंग निर्माण चल रहा है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव शंभु। तो दोस्तों मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया था गौरीघाट नर्मदा जी के ऊपर, आपका उसमें बहुत बहुत प्यार मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज फिर से मैं जा रहा हूँ नर्मदा जी के दर्शन के लिए। ये देखिए एक मंदिर ये है, और आगे भी दो मंदिर हैं, श्री रामलला मंदिर और भगवान गणेश जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ भी चलेंगे कभी और दर्शन करवाएंगे। तो मैं कह रहा था दोस्तों, तो मैं जा रहा हूँ नर्मदा जी, और यहाँ पर एक प्राचीन रहस्यमय शिव मंदिर है जो बहुत कम लोग जानते हैं, तो आज वहाँ चलेंगे। और ये देखिए मेन गेट में हम प्रवेश कर रहे हैं। जय माँ नर्मदे, हर हर नर्मदे, नामि देवी नर्मदे हर। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि जो प्राचीन शिव मंदिर है, जो रहस्यमय मंदिर है, कम ही लोग उस मंदिर के बारे में जानते हैं। हर कोई उस मंदिर में नहीं जा पाता क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है, जबलपुर में रहते हैं उन्हें भी नहीं मालूम। दोस्तों ये देखिए ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, आप यहाँ से इनको खरीद सकते हैं। और ये देखिए एक दुकान इधर भी है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हालांकि आपकी मर्ज़ी, आपको जहाँ से ख़रीदना हो नर्मदेश्वर शिवलिंग, आपको उसकी खासियत मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा ब्लॉग, और नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, वो वाला भी ब्लॉग माँ नर्मदा के ऊपर है। जय श्री काल भैरव महाराज। तो दोस्तों फाइनली हम माँ नर्मदा तट पर पहुँच चुके हैं, जबलपुर गौरीघाट। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं आपको सबसे पहले माँ नर्मदा जी के दर्शन करवाऊंगा, और फिर उस रहस्यमय शिव मंदिर के, जिसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, दर्शन करके मन खुश हो जाएगा। तो दोस्तों अंत तक ब्लॉग में बने रहिए। जय माँ नर्मदे, नामि देवी नर्मदे हर। देखिए माँ नर्मदा जी के दर्शन करते हैं। जय माँ नर्मदे, जय मैया, जय माँ। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर दिख रहा, और वो है नर्मदा जी का मंदिर जो पिछले ब्लॉग में दिखाया था। थोड़ा सा पानी बढ़ा है, ज़्यादा नहीं, अभी पास से चलेंगे, दर्शन करेंगे। और आपको यहाँ पर जो पिछले बार कुछ मंदिर नहीं दिखाया था वो भी दिखाएंगे, एक शिव जी का मंदिर है प्राचीन, उसके भी दर्शन करवाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिए। हर हर महादेव, जय नर्मदे। दोस्तों देखिए ये है मंदिर, और यहाँ हम अंदर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले। तो दोस्तों यही है वो प्राचीन रहस्यमय शिव मंदिर। तो दोस्तों दर्शन करिए महादेव बाबा के, माँ नर्मदा जी के बीच में विराजमान है, और यहाँ पर देखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय भगवान, जय श्री राम जी महाराज, जय मिया, जय माँ पार्वती, जय माता रानी, जय माँ, जय मंगल मूर्ति, जय श्री गणेश भगवान की जय, जय श्री राम जी महाराज की जय, ओम नमः शिवाय। ये देखिए दोस्तों इसके ऊपर नर्मदा जी भी आ रही है, और हम लोग अंदर, और ये देखिए बाहर, बाहर पूरा पानी है। ये देखिए तभी आपने देखा है, यहाँ ये देखिए पूरा पानी। तो दोस्तों अब मैं पूजा कर लेता हूँ,
और बलराम को कैमरा दे दिया है, वो आपको पूरा मंदिर दिखाएगा विस्तार पूर्वक अच्छे से। ओम नमः शिवाय। दोस्तों दर्शन करिए मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश के। जय श्री गणेश, जय मंगल मूर्ति। दोस्तों अब दर्शन करिए माँ पार्वती के। जय मैया, जय महागौरी, जय माँ पार्वती, जय माता रानी, जय मैया। दोस्तों दर्शन करिए श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज के। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता रानी, जय श्री गणेश। और ये है भगवान शिव जी का शीश। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर भी एक भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर भी दर्शन करवाते हैं आपको। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ये देखिए नंद जी महाराज, ओम नमः शिवाय, ओम जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। वहाँ चलते नर्मदा जी के पास, बलराम मां नर्मदा जी की पूजा कर रहा है। जय मैया नर्मदे, जय मां। दोस्तों दर्शन करिए मां नर्मदे जी के। जय मैया, जय मां नर्मदे, जय मैया, जय मां नर्मदे। मैं भी पूजा कर लेता हूँ मां नर्मदा जी की। जय मां नर्मदे, नामिमि देवी नर्मदे हर। जय मां नर्मदे, जय माता रानी, जय मैया, जय मां, जय मां, जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय नंदी महाराज, ओम नमः शिवाय। जय मां नर्मदे, जय मां। ये देखिए दोस्तों, किसी ने दीपदान किया है। मां नर्मदा जी को अलग अलग चीज़ें चढ़ाने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। जैसे आप सरसों का तेल का दीपदान करते हैं तो उसका अलग फल प्राप्त होता है, उसी तरह ये जो दीपक है, देखिए इसमें घी है और ये घी पीला कलर का है, तो ये गाय का ही घी है। तो गाय के घी से दीपक दान करने से आपके घर में धन संपदा और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती, ऐसा यहाँ के साधु संतों का कहना है। जय मां नर्मदे, नामिमि देवी नर्मदे हर। तो दोस्तों मां नर्मदा जी के दर्शन कर लिए हैं, और आप मेरे पीछे वो मंदिर देख रहे होंगे छोटा सा नर्मदा जी का, मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर ये मंदिर, ये मां नर्मदा जी का मंदिर है। आपको पिछले बार दर्शन करवाया था, अभी ये थोड़ा सा डूबा हुआ है, अभी पास से जाकर देखेंगे और दर्शन करेंगे। दोस्तों ये देखिए नर्मदा जी का मार्केट।
तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं माँ नर्मदा जी के दर्शन करने, देखते हैं मंदिर पास से कि कितना डूबा है, और आपको दर्शन करवाते हैं माँ नर्मदा के और भगवान शिव जी के। इस मंदिर के दर्शन करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जय ओम नमः शिवाय। और देखिए माँ नर्मदे, आइए पार से चलते हैं और दर्शन करते हैं। जय माँ नर्मदे, जय मैया, जय माँ, जय मैया, जय माता रानी, जय माँ नर्मदे, हर हर नर्मदे। तो दोस्तों देखिए ज़्यादा मंदिर डूबा नहीं है, थोड़ा ऊपर ही पानी आया है, लेकिन अभी और पानी गिरेगा तो ये पूरा ऊपर तक डूब जाएगा, मतलब मंदिर ही नहीं दिखेगा, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो भी। जय माता रानी। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी पानी गिर ही रहा है, और पानी गिरेगा तो ये सब डूब जाएगा, मंदिर भी नहीं दिखेगा और ये सब पूरा डूब जाएगा। ये जो दिख रहा है ये सब दुकानें खाली हो जाएंगी और पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा, सब डूब जाएगा, हालांकि अभी पानी वैसा गिरा नहीं। माँ नर्मदा जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए और भगवान भोलेनाथ जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए। आपने भी दर्शन किया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हर हर नर्मदे और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों भगवान के दर्शन तो हो गए, अब कर लेते हैं थोड़ी पेट पूजा, तो चलिए चलते हैं कुछ नाश्ता करते हैं। हर हर नर्मदे। तो दोस्तों देखिए नाश्ता कर लेते हैं, यहाँ पर भाजी बड़ा है, आलू भंडा है, समोसा, तो क्या लगवा लें? एक भाजी बड़ा, एक समोसा हम लगवा ले रहे, एक भाजी बड़ा, एक आलू भंडा लगवा। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये है आलू भंडा और भाजी बड़ा, तो खाते हैं इसको, कैसा लग रहा है? लग के टेस्टी रहता है। तो दोस्तों हमने भाजी बड़ा और आलू बंडा का नाश्ता कर लिया था, और नाश्ता करके अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ, और कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। और आज का दिन बहुत अच्छा रहा दोस्तों मेरे लिए, और साथ ही आपके लिए भी, माँ नर्मदा जी के आपको दर्शन करवाए, साथ ही आपको रहस्यमय शिव मंदिर के दर्शन करवाए। बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है वो, और बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, बहुत कम लोग जाते भी है वहाँ पर। जो पुराने लोग हैं रेगुलर जो जाते हैं नर्मदा जी तट पर, वही लोग जानते हैं। और भगवान भोलेनाथ जी कृपा से फिल्म का ऑडिशन दिया और ऑडिशन में भी सिलेक्शन हो गया, अब शूटिंग में जाऊँगा। तो आगे आने वाले ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, तो आगे के ब्लॉग भी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये तोप गन है, जो आर्मी से वाहन रिटायर हो जाते हैं उनको इस तरह रख दिया जाता है। और ये है GCF फैक्ट्री, गन कैरिज फैक्ट्री, यहाँ पर तरह तरह की बंदूकों का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।